नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज है संडे 7 मई 2023 और अभी सुबह अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और सुबह से आज पूजा पाठ चल रहा था घर में, इस वजह से कुछ ब्लॉग नहीं दिखा। तो अभी फ़िलहाल हम टमाटर बरबट्टी को पानी सिंचाई करने के लिए जा रहे हैं बड़े पापा के बगीचे में, तो बगीचे पहुँच कर दिखाएंगे उधर का सीन। ठीक है, चलो। और बगीचे आ चुके हैं दर्शकों, देखिए यहाँ से अपने को बोर ऑन करना है। सबसे पहले पाइप चेंज करेंगे इधर बरबट्टी और टमाटर की तरफ, फिर इधर ऑन करेंगे, है ना। तो यहाँ से पाइप चेंज होगा, ये वाला पाइप लगेगा, इसमें पानी इधर से ऐसे जाएगा इधर टमाटर के पट्टियों में और इधर बरबट्टी में भी। तो दर्शकों, ये बोर हो चुका ऑन, पाइप के थ्रू जा रहा उधर पानी टमाटर के पट्टियों में। इधर आप देख सकते हैं ये भिंडी किस तरीके से बड़े हो रहे हैं, देखिए। सही है। और इसके अलावा इधर देख सकते हैं अपना उड़द सूख चुके हैं, हमको तोड़ लिया जाएगा। तोड़ने के बाद इनसे इस तरीके से बीज निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बनता है फिर बड़ा उड़द का बड़ा, ये देखिए बीज, है ना, ये सही है। तो इस सूखे हुए उड़द को तोड़ लेंगे और इधर अपना मूंगफली देखिए किस तरीके से बड़े हुए हैं, और इनमें अभी कांदे आ रहे हैं, कांदे अच्छे से हो नहीं पाए हैं। एक हाथ निकल जाए तो दिखा दूं, ये देखिए इस तरीके से अभी इनमें बीज जो है अच्छे से आया नहीं है, देखिए किस तरीके से आ रहे हैं बीज। ये है ना, तो इनको अभी और टाइम है, कांदे आ गए हैं बस बीज अच्छे से हुए नहीं है अंदर वाले, तो इन्हें और थोड़े दिन रखना पड़ेगा। बाकी सही है, ये देखिए कितना सारा है ना हरा भरा दिख रहा है। ये जितने मूंगफली है ना, इन सब पत्तियों को गाय भैंस को खिला देने से कितना पेट भर जाएगा, है ना। वाह, इधर सूखा बरबट्टी बीज वाला। दर्शकों, ये देख सकते हैं कितना छोटा छोटा टमाटर फला हुआ है ना, और इधर बीच बीच में पक भी रहे हैं और भी इनमें फूल आ रहे हैं और इनमें टमाटर फलते ही जा रहे हैं। तो दर्शकों, क्या है, सुबह से अगर आप काम नहीं करते हैं ना, तो अचानक शाम को आने के बाद काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है, ठीक है। अभी सिर्फ पानी सिंचाई करने का मन लग रहा है, क्योंकि इसमें अपने को कुछ करना नहीं है, बस पानी को पट्टी में लगा के बैठे रहना है, ठीक है।
अभी बस 6 बजने वाले हैं, 1 घंटा हो चुका है। 2 पट्टियाँ में हुआ है, 3रा पट्टिया में पानी सिंचाई चल रहा है और पीछे साइड देख सकते हैं धान किस तरीके से पक कर तैयार हो चुके हैं। तो 1-2 दिन में ही धान की कटाई स्टार्ट हो जाएगी। बड़े पापा बोल रहे थे धान की कटाई स्टार्ट करेंगे ही बस, है ना, और लेबर नहीं मिल रहे हैं दर्शकों, तो अपने को ही करना पड़ेगा थोड़ा बहुत काम, तभी आगे बढ़ेगा काम, है ना। मई आज 7 तारीख हो चुके हैं और 20-25 दिन में मई का महीना भी ख़त्म, फिर जून, जून स्टार्ट हुआ फिर तो फिर पानी स्टार्ट है, है ना। 5-6 जून से पानी स्टार्ट हो जाता है, फिर जून में हल चलाना, चिखला करना, सब कुछ होगा स्टार्ट, धान बुनाई हो जाएगी स्टार्ट, तो काम ही काम है दर्शक, है ना। तो दर्शकों अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और इधर अंधेरा हो चुका है, है ना, और फ्लैश ऑन करके मैं पानी सिंचाई वाला काम कर रहा हूँ। 2-3 पट्टियाँ बचे हुए हैं टमाटर और 2-3 पट्टियाँ बरबटी, ठीक है, टोटल 3 पट्टियाँ हैं दर्शकों। तो अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा, 7 बज रहे हैं मतलब 8 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा पानी सिंचाई वाला काम। फिर अपने को है पानी जो है पाइप के थ्रू धान के खेतों में ले जाना है। धान के खेतों में कुछ कुछ जगह पर पानी सिंचाई नहीं हो पाया है, तो बस उन्हीं में ही पानी सिंचाई करना है। तो रात भर पानी सिंचाई होगा धान में, ठीक है। तो अभी इधर वाला काम कंप्लीट करते हैं, है ना, बरबट्टी वाला, फिर हम धान के खेतों में पानी सिंचाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दर्शकों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, जितना कुछ रहा अभी 1-1.5 घंटे वही सब दिखा पाया, अभी कल अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने ब्लॉग में, तब तक आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट कर खाएँ, सिर्फ वाले जीवन की तरफ चिंता करें, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।